चर्चा की जाएगी आर्टिकल नंबर 61 भारत के संविधान के 61 नंबर अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो धारा 61 क्या कहता है, धारा 61 महाभियोग के संबंध में बनाया गया है। भारतीय संविधान में जब संविधान के निर्माता भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने राष्ट्रपति जिसको भारत का सर्वप्रमुख माना गया हेड ऑफ द स्टेट के रूप में नियुक्त किया गया और बताया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों को बताते हुए भारत के राष्ट्रपति के संबंध में बहुत कुछ चर्चा करी। भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्तों को अनुच्छेद 59 में व्यक्त किया गया, उसके संबंध में उसके अनन्य शक्तियों का वर्णन किया गया। इसी के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति होगा जो जिस पर किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा नहीं लागू कर सकता, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा और राष्ट्रपति को उसके पद के दौरान किसी न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा, उसे किसी भी कारागार में नहीं भेजा जाएगा और उसके संबंध में अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो जिस तिथि से उसने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया उस तिथि से जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक वो मुकदमा स्टे हो जाएगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति को यहां अनन्य शक्तियां भारत के संविधान में दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति किस कारण से राष्ट्रपति पद से हट सकता है। तो पहली दशा तो है राष्ट्रपति का स्वयं त्याग पत्र दे देना। राष्ट्रपति एक त्याग पत्र अपने अधीनस्थ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को दे सकता है। दूसरी स्थिति राष्ट्रपति का हटाए जाने का उसकी मृत्यु हो जाना, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु आकस्मिक रूप से हो गई तो पद उस वक्त रिक्त हो जाएगा। अब तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति है महाभियोग, इम्पीचमेंट मेथड। इम्पीचमेंट मेथड जिसको अनुच्छेद 61 में वर्णित किया गया। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, अनुच्छेद 61 कहता है कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए, मैं फिर से बोलूंगा मेरा वर्ड पकड़िएगा, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पर वार हो गया हो, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर अभियोग चलाना हो तो संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। संविधान के अतिक्रमण पे, संविधान में जो उल्लिखित बातें हैं, जो शक्तियां हैं उसके खिलाफ अगर राष्ट्रपति ने कोई कृत्य कर दिया है। अब राष्ट्रपति पर संविधान के अनुसार कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं लेकिन राष्ट्रपति उसके अतिक्रमण करता है। फॉर एग्जाम्पल मनी बिल के संबंध में राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है, उसे रोक नहीं सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ने मनी बिल को रोक दिया। या राष्ट्रपति एक बार से ज्यादा मंत्रिपरिषद के सलाह के उपरांत किसी बिल को रोक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रपति ने रोक दिया, इस प्रकार से राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा। ऐसी दशा में ऐसा कोई आरोप उस पर लगाया जाएगा, लेकिन ये आरोप कोई आम व्यक्ति द्वारा नहीं लगाया जाएगा, ये आरोप संसद की किसी एक सदन द्वारा लगाया जाएगा। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, दूसरा मुख्य बिंदु, संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जाएगा, ना कि राष्ट्रपति के किसी अन्य व्यक्ति, ना विधानसभाओं के विधानसभाओं द्वारा। यहां पर संसद का कोई एक सदन, संसद का सदन राज्यसभा लोकसभा दो सदनों में से की एक सदन द्वारा यह आरोप लगाया जाएगा। लेकिन यह आरोप कितने लोगों के साथ प्रस्थापित होगा इस संबंध में लिखा है, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के लिए दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, यानी 14 डेज के लिए एक नोटिस देना होगा जिस सदन पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। यानी स्पष्ट है कि 14 दिन के अंदर यानी ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। यानी 1/4 सदस्य, कोई भी एक सदन, एक पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है 1/4 मेंबर्स ऑफ एनी
हाउस, कोई हाउस से एक चौथाई मेंबर द्वारा आरोप लगाया गया और ऐसा आरोप 14 दिन के लिए लिखित, कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के लिए दिए जाने के बाद 14 दिन के दृष्टिकोण से 14 दिन के नोटिस के रूप में दिया जाएगा। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो तो। अब यहां पे देखने वाली बात है, ये उस सदन के अध्यक्ष को दिया जाएगा 14 दिन के दृष्टिकोण से, 14 दिन के अंदर उस सदन में ही 2/3 मेंबर्स द्वारा, 2/3 मेंबर्स द्वारा ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द सेम हाउस के द्वारा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, 2/3 मेंबर्स ऑफ द सेम हाउस द्वारा उसे क्लियर किया जाएगा, यानी ये एक प्रकार से दूसरा चरण है। तो पहले चरण में 1/4 मेंबर्स किसी एक हाउस द्वारा क्लेम करेंगे, यहां पर क्लेम होगा, और उसके बाद दूसरे सदन, उसी सदन द्वारा 2/3 सदस्य ऐसे संकल्प को पारित करेंगे, संकल्प पारित करेंगे। सो संकल्प यहां पर पारित होगा, यानी रेजोल्यूशन पास होगा, यहां पर रेजोल्यूशन वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, रेजोल्यूशन पारित होगा। तो यहां पर एक प्रपोजल आएगा, ठीक है, प्रपोजल टू प्रिफर सर चार्ज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, यहां पे एक प्रपोजल है, नोटिस है, ठीक है, ये एक प्रकार से प्रपोजल नोटिस इशू होगा, ये नोटिस इशू हुआ, 2/3 मेंबर द्वारा उसी सेम हाउस द्वारा रेजोल्यूशन पास होगा। रेजोल्यूशन पास अगर हो जाता है तब जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या करवाएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने की राष्ट्रपति को अधिकार होगा। यानी राष्ट्रपति अब यहां अपना स्पष्टीकरण कर सकता है। तीसरा चरण यहां पर स्पष्ट होता है कि ये तीसरा चरण है, जब आरोप संसद के किसी एक सदन द्वारा पारित हो गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा। When a charge has been so preferred by either house of the parliament, the other house shall investigate the charge or cause the charge to investigate. तो investigation of the charge by अदर हाउस, दूसरे सदन द्वारा उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो तीसरा चरण है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्ज बाय अदर हाउस, दूसरे सदन द्वारा उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन में राष्ट्रपति को अपने जवाब रखने को बुलाया जा सकता है। यहां पर राष्ट्रपति अपनी बातों को कहने आ सकता है, इसमें वो अपना प्रतिनिधित्व भेज सकता है, जनरली इसमें वो अपना प्रतिनिधित्व भेजता है, और अपने प्रतिनिधित्व के रूप में वो अपने किसी भी व्यक्ति को, वकील को, किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है। ठीक है, नाउ तीन चरण हो गया। पहला चरण में 1/4 सदस्यों ने किसी एक सदन में ईदर ऑफ एनी हाउस ठीक है प्रपोजल नोटिस इशू किया, 14 दिनों के अंदर ये नोटिस 2/3 मेंबर्स के साथ उसी हाउस द्वारा अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो दूसरे हाउस में, ये तीसरा चरण है, दूसरे हाउस में इन्वेस्टिगेशन होगा उस चार्ज पर, और उस चार्ज पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान राष्ट्रपति को अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, अपने विचारों को रखने का अधिकार है, उसे पूरा अधिकार है कि वो अपना स्पष्टीकरण दे। यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप या घोषित होने वाला संकल्प के राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, अब अगर ये आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, अब ध्यान से समझिएगा, चौथा मुख्य बिंदु यहां पर चौथा चरण है कि अगर 2/3 of the majority favored the charge
और पास द चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ दैट हाउस। फिर से मैं कहूंगा, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अ रेजोल्यूशन इज पास्ड by the majority of not less than 2/3 of the total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been sustained, such a resolution shall have the effect of removing the president from his house as from the date of which the resolution is so passed. तो जैसे ही ये resolution pass होगा, उसी तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। तो राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, यहां से ही द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, यहीं से प्रेसिडेंट को हट जाना होगा, द प्रेसिडेंट को यहीं से हटाया जाएगा। ये चार चरण मुख्य हैं, इन चार चरणों को डेप्थ के साथ समझना जरूरी है। मैं एक बार पुनः आपको इन चार चरणों को व्याख्या कर दे रहा हूं। इन चार चरणों को आप लोग देखिए, मैं बोर्ड पर इसे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये चार चरण जो राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के संबंध में है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला चरण जिसमें मैंने बनाया है, 1/4 मेंबर द्वारा, सदस्यों द्वारा, किसी भी एक हाउस द्वारा, किसी भी एक सदन द्वारा, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, संसद के किसी भी एक सदन द्वारा एक प्रपोजल नोटिस इशू होगा। नोटिस उस सदन के अध्यक्ष को दिया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ हम संसद पर अतिक्रमण का दोषी पाते हैं और इस संबंध में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने की अनुशंसा करते हैं। ये नोटिस जब अध्यक्ष को मिलेगी, यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है, कम से कम 40 सदस्य हों इस नोटिस को इश्यू करने के लिए, 1-2-3 नहीं 40 सदस्य, यानी एक प्रकार से 1/4 मेंबर माना जाता है। इसके बाद 2-3 सदस्य, 2/3 सदस्य उसी सदन के द्वारा इस संकल्प को पारित कर देते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, 1/4 सदस्य किसी भी हाउस द्वारा एक नोटिस इशू करते हैं, 14 दिनों के अंदर 2/3 सदस्य उसी सदन से अगर किसी संकल्प को पारित करते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लग गया। अब इस महाभियोग की जांच दूसरे सदन में होगी, यानी अगर राज्यसभा में मैटर उठाया गया तो लोकसभा में पहुंचेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्ज बाय द अदर हाउस, दूसरा हाउस इस चार्ज पर इन्वेस्टिगेट करेगा, दूसरा हाउस जांच करेगा कि जो राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ चार्ज लगाया गया है उचित है कि नहीं उचित है। तो राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ इस पर इन्वेस्टिगेशन उठाया जाएगा, इस पर आयोग भी गठित किया जा सकता है, संसद की समिति भी बन सकती है और यहां पर किसी भी प्रकार की कमिटी बना करके उनके ऊपर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान राष्ट्रपति को उपस्थित होने का अधिकार होगा, राष्ट्रपति अपने नुमाइंदों के थ्रू या स्वयं आकर अपनी सफाई दे सकता है, अपनी बातें कह सकता है। इन्वेस्टिगेशन के इस चार्ज पर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और बहस के बाद अगर संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ या प्रपोजल 2/3 बहुमत के साथ पास हो जाता है, यानी ये रेजोल्यूशन अगर पुनः दूसरे सदन में 2/3 बहुमत के साथ पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, प्रेसिडेंट यहां से ही हट जाएगा और प्रेसिडेंट को हटाने का यह तरीका इम्पीचमेंट कहलाता है, महाभियोग कहलाता है। जाहिर सी बात है, काफी टिपिकल प्रपोजल, काफी टिपिकल विधि है राष्ट्रपति को हटाए जाने के संबंध में। आशा है कि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है संविधान के अंतर्गत मुद्दों को कलेक्ट करके संविधान की व्याख्या करने के दृष्टिकोण से, संविधान पर जितना हो सकता है मैटर स्पष्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि संविधान पर मैं आपको कैसे बेहतर चीजें प्रस्तुत कर सकूं। संविधान पर मैंने एक कलेक्शन पूरा तैयार किया है,
मैंने कई वीडियोस क्रम में बनाए हैं राष्ट्रपति पर सामान्य परिचय, राष्ट्रपति के ऊपर आज मैंने महाभियोग पे एक वीडियो बनाया। मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसको जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करिए और अपने कमेंट्स भेजिए ताकि फिर और नए वीडियोस मैं और भी उत्साह के साथ आपके लिए बना सकूं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ संविधान के कुछ और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।